हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है, जो 12 सितंबर 2007 को बना है। अगर प्रेजेंट बाउंड्री की बात करें तो यह नॉर्थ में हजारीबाग से डिस्ट्रिक्ट से, साउथ में रांची डिस्ट्रिक्ट से, ईस्ट में बोकारो से और वेस्ट में रांची डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर रामगढ़ टाउन में है, जो कि NH 33 पर सिचुएटेड है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो यह रांची से 46 किलोमीटर दूर है और हजारीबाग से 52 किलोमीटर दूर है। अगर टोटल एरिया की बात करें तो रामगढ़ का टोटल एरिया 1341 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें कि 487.93 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का एरिया है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, जिसमें रामगढ़, पतरातू, गोला, मांडू, चितरपुर, डुलमी, जबकि 4 हेल्थ ब्लॉक है, जिसमें रामगढ़, पतरातू, गोला और मांडू हैं। अगर हम मैप की बात करें तो यह नॉर्थ में हजारीबाग से कनेक्टेड है, ईस्ट में बोकारो से कनेक्टेड है, वेस्ट में यह हजारीबाग रांची से कनेक्टेड है और साउथ में यह रांची से कनेक्टेड है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यह जो नाम है वो डिराइव हुआ है, राम जो नाम ड्राइव हुआ है वो मोरम से और गढ़ से, बेलुआ गढ़, क्योंकि जो हजारीबाग का जो 2 ब्लॉक्स है, सीतागढ़ और विष्णुगढ़, उससे डिराइव्ड होकर ये जो रामगढ़ का नाम बना हुआ है। अगर हम अशोक पीरियड की बात करते हैं तो ये छोटा नागपुर डिवीज़न का एक सब डिवीज़न होता था, जो कि उनका पीरियड है 273 से 232 BC तक। अगर हम रिजीम की बात करते हैं तो मुद्रा रिजीम यहाँ पे काफ़ी प्रभावशाली रहा है, नागवंशी रिजीम भी देखने को मिला है यहाँ पे। अगर आगे हम बात करते हैं तो अगर हम मुस्लिम रिजीम की बात करते हैं तो तुर्क अफगान पीरियड में इस डिस्ट्रिक्ट का वर्नर है, सबऑर्डिनेशन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम। रामगढ़ रीजन वॉज एस्टैब्लिश इन 1368। अगर हम ये इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो यह 1368 में हुआ है। द किंग ऑफ रामगढ़ वॉज बखदेव सिंह, उस समय के वो राजा थे। एंड द कैपिटल ऑफ रामगढ़ वॉज इन सीरा, उस टाइम पे जो रामगढ़ का जो राजधानी था वो सीरा में था। द हेडक्वार्टर ऑफ द कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड इन उड़दा, बादम और रामगढ़। बाद में यह जो हेडक्वार्टर है वो बदल के उड़दा, बादम और रामगढ़ किया गया। द सिक्स किंग ऑफ रामगढ़ रिजिंग वॉज हेमंत सिंह, जो कि बिल्ड करते हैं अपने एम्पायर को बादम में। उसके बाद 1670 में द हेडक्वार्टर ऑफ रामगढ़ रिजिम वॉज ट्रांसफर टू रामगढ़। अगर हम 1770 की बात करें तो रामगढ़ वॉज अंडर किंग मुकुंद सिंह, और अगर 1740 में रामगढ़ वॉज जंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामगढ़ के नाम से जाना जाता था 1740 तक। अगर हम ब्रिटिश रिजिम की बात करते हैं, द पावर ऑफ ऑब्टेनिंग द रेफरेंस ऑफ फ्रॉम रामगढ़ वॉज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। किंग शाह आलम को ये काम मिला था। अगर 1771 कैप्टन कॉमिक यहाँ पे आए थे, मिलिट्री को लेके कलेक्टर थे यहाँ के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, जिसका कि हेडक्वार्टर चतरा था। द मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामगढ़ कंटेन्स नागपुर, पलामू, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और कोडरमा। अगर हम बात करते हैं ग्रेट सोशल रिफॉर्मर की, तो यहाँ ब्रह्म समाज के जो फाउंडर है राजा राम मोहन आए, वो भी यहाँ पे विजिट करते हैं 1805 से 1806 के दरमियान। वो जो साथ में आते हैं मिस्टर विलिंग डिग बॉय के साथ, और इस एरिया के जो मजिस्ट्रेट रहते हैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। 1811 में रामगढ़ बटालियन वॉज यूज फॉर सप्रेसिंग द मुंडरा उराव एंड तमाड़ रिवोल्ट। इस टाइम पे 1811 में का जो बटालियन है रामगढ़ बटालियन, वो ये दोनों रिवोल्ट्स को सप्रेस करने के लिए काम करती हैं। 1837 में रामगढ़ वाज पुलिस स्टेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था। फिर 8 जनवरी 1856 को शेख भिखारी एंड ठाकुर उपराव सिंह, ये दो को बैनियन ट्री में लेके और हैंग कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। इसलिए इस वैली का जो नाम है वो ललकी घाटी भी है, और जो बनियान ट्री है उसका नाम फांसी बोरी भी बोला जाता है। 1923 में श्री KV सहाय
ऑफ स्वराज पार्टी वॉज इलेक्टेड फॉर प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। 1923 में के बी सहाय यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पे एज सीन एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन एमएन ब्लॉक, वो भी यहाँ पे विजिट करते हैं। रामगढ़ कैंट काउंसिल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1941। देर वेर टू सेंटर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग इन SRC एंड PRC। 1928 में रामगढ़ रेलवे स्टेशन का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब ये आज़ादी से पहले का स्टेशन। अगर हम बात करते हैं एरिया का तो टोटल एरिया 1360.08 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 9,49,443 के आसपास है और जो यहाँ की लैंग्वेज है वो हिंदी और खोरठा है। विलेज 364 के करीब है। पुरुषों की आबादी 4,94,230 के लगभग है और महिलाएं 4,55,213 हैं। रामगढ़ है सेक्स रेशियो ऑफ 921 फीमेल ओवर 1000 मेल एंड लिटरेसी रेट ऑफ 73.21। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू।